राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने अर्धनग्न वाले विवादित बयान पर सफाई दी। शिक्षा मंत्री ने कहा, मैंने सिर्फ अर्धनग्न शब्द को परिभाषित किया, अर्धनग्न नहीं बोला। सोशल मीडिया पर मेरे इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जबकि मैंने अर्धनग्न शब्द का यूज तक नहीं किया। मैंने सिर्फ यह कहा है कि कम कपड़े पहनकर शिक्षक विद्यालय जाते हैं, जिससे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अर्धनग्न मैंने शब्द उपयोग नहीं किया, कम कपड़े पहन करते हैं ऐसा लगता है जैसे अर्धनग्न है, मैंने ये नहीं कहा अर्धनग्न आते हैं। दिलावर ने आगे कहा, बच्चे 7 से 8 घंटे स्कूल में रहते हैं, वे यहाँ सीखने आते हैं, इसलिए शिक्षकों को बच्चों के सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा, ताकि वे संस्कार सीख सके। कुछ शिक्षक लेट आते हैं, जब उनसे कोई टोकता है तो कहते हैं सही समय आए, लेकिन बच्चे सब जानते हैं, इससे उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस हरकत से बच्चे समझते हैं कि झूठ बोलना अच्छा है, इसलिए बच्चे झूठ बोलना भी सीख जाते हैं, जो गलत है। इसलिए मैंने कहा था कि स्कूल में अच्छे कपड़े पहनकर जाएं, जिससे कि बच्चों पर दुष्प्रभाव नहीं पड़े। मैं भाव ये कहना चाहता हूँ कि अपना अच्छा पहन के आएंगे और सच बोलेंगे। मैं 3-4 बातें कही, तुम्हें आपको पूरा सुना देता हूँ, तो परिवार में भी रहता है और कुछ घंटे जैसे 7-8 घंटे वो विद्यालय में रहता है, तो माँ बाप को भी उनके सामने अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा और शिक्षकों को भी अपने आप को बच्चों के सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा, ताकि वो संस्कार ले सके। कोई शिक्षक लेट आता है और वो कोई जो उनसे पूछता है तुम कितने बजे आए, तो क्या सही समय आओ, तो बच्चे तो देख रहे हैं, उनको लगता है कि झूठ बोलने से बचाव हो जाता है। ऐसे ही हमारी यदि दृष्टि ठीक नहीं तो बच्चे सब देखते हैं, और बोलचाल ठीक नहीं, व्यवहार ठीक नहीं, यदि बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा करते हैं या फिर हम हमारा वस्त्र ठीक पहन के नहीं आते, कम पहन के आते हैं, जैसे ऐसा लगे कि जो ऐसा लगे कि जैसे आधे कपड़े पहने हुए हैं, आधा बदन दिख रहा है, तो उससे बच्चों पर संस्कार नहीं पड़ेंगे। अपने आप को संस्कार देने के लिए अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा। अभी हम इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन परंपरा है कि हम विद्यालयों में ऐसे कपड़े पहन के जाएं जिनसे ठीक लगते हों, बच्चों को कुसंस्कार न हो, इस प्रकार के, ताकि वह भी आने वाले जीवन में इसी प्रकार का व्यवहार करें। वहीं बार बार आदेशों पर यूटर्न लेने के सवाल पर मंत्री दिलावर ने कहा कि ट्रांसफर को लेकर पॉलिसी बन रही है, एक्सपर्ट लगे हुए हैं, जो तथ्य सामने आए हैं वह मंत्रिमंडल में रखे हैं और उसके बाद फाइनल होगा। इसी के चलते कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, उस कमी को दूर कर लिया जाएगा और जल्द ही आदेश होंगे। हम ऐसा तो नहीं करते, 5 रुपए खा लेते हैं, 2 करोड़ खा लेते हैं और फिर ट्रांसफर करते हैं। पॉलिसी बन रही है, उस पर विचार चल रहा है, एक्सपर्ट से विचार विमर्श हो रहा है, वो जो तथ्य आएंगे उनको मंत्रिमंडल में रखेंगे, फिर मंत्रिमंडल निर्णय करेगा, उसके बाद उसका फाइनल होगा। देखो, कोई कमी रह जाती है तो उसका सुधार किया जा सकता है, कमी रह गई होगी छोटी मोटी, उसको सुधार कर लेंगे। हम ऐसा तो नहीं करते कांग्रेस की तरह, जब 5 रुपया खा लिया तो 1 करोड़ रुपये भी खाएंगे, 2 करोड़ खाएंगे, हम सुधार करते हैं, आगे कमियां करने के लिए नहीं बढ़ते। वही गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज करते हुए कहा कि मैं ऐसे लोग जो प्रदेश को लूट कर खा गए हैं और जनता के साथ जिन्होंने जातियां की है, बलात्कारी को सहयोग दिया है, आतंकवादी को सम्मान बोलते हैं, ऐसे लोगों पर क्या बात करना, ऐसे लोग निकृष्ट लोग होते हैं। अब डोटासरा जी क्या है, मैं ऐसे जो लोग है ना जो प्रदेश को लूट कर खा गए हैं, जनता के साथ ज्यादतियां की है, बलात्कारियों को सहयोग दिया है, आतंकवादियों को ससम्मान बोलते हैं, ऐसे लोग के बारे में क्या बात करना है, निकृष्ट लोग हैं। मैंने ही नहीं कहा, ये पहले से ही ऑर्डर है, पहले से ही आदेश है, हम तो उसकी पालना कराने की कोशिश कर रहे हैं।
बता दें कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने नीमका थाना जिले के संस्कृत स्कूल नरसिंहपुरी के लोकार्पण कार्यक्रम में बुधवार को कहा था कि स्कूल में कुछ शिक्षिकाएं अपना शरीर दिखाते हुए गलत पहनावा पहन कर आती हैं। कई शिक्षक स्कूल में गुटखा खाकर आते हैं, ऐसे में स्कूल आने वाले बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कई स्कूल में तो शिक्षक झूमते हुए पहुंचते हैं, वो शिक्षक नहीं वो बच्चों के दुश्मन है। इस तरह की हरकत करने वालों को शिक्षक कहना पाप है। उससे पूछो कितने बजे आए कोई आकर, बस ठीक टाइम आया था, 10 बजे आया, ठीक टाइम आया था। जब बच्चा इसको सुनता है तो गुरु जी के बारे में क्या सोच सकती है उसकी कि झूठ बोलता है। बच्चे क्या सोचते हैं, झूठ बोलने से डांट बच जाती है, झूठ बोलने वाला आदमी प्रसन्न रहता है, ऐसा तो उनको संस्कार ऐसी भी नहीं। हम अर्धनग्न होकर के स्कूल में जाते हैं, कई बहनों को देखता हूँ जो अच्छे कपड़े नहीं पहनती, पूरा शरीर दिखा करके और स्कूल में जाती है, तुम्हारी बच्चियों पर बच्चों को उसका अच्छा संस्कार नहीं होता, यानी कुछ संस्कार बनता। इसलिए उनको सोचना चाहिए कि मैं शिक्षिका हूं या मैं शिक्षक हूं, हमको कैसा पहनाव पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए। कई मैं शिक्षक बहनों और भाइयों को देखता हूं जो विमल गुटखा खा के जाते हैं, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गलत असर पड़ेगा। कई अध्यापक बिल्कुल ऐसे तंगे खाते खाते झुकते झापते स्कूल जाते, बच्चे क्या सोचेंगे, दारू पीना अच्छा रहता है, माठ साहब भी गुरुजी भी पी के आते हैं। जो इस प्रकार का कृत्य करता है जिससे कुसंस्कार मिलते हैं वो शिक्षक नहीं, हमारे जो होनहार बालक बालिका है उनके दुश्मन है, दुश्मन, उनको शिक्षक कहना पाप। इस प्रकार का कृत्य नहीं होना। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने महिला शिक्षकों के कपड़ों के संबंध में दिए गए विवादास्पद बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उनकी टिप्पणी का गलत अर्थ निकाला गया है और उनका मकसद महिला शिक्षकों का अपमान करना नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि वे महिलाओं के प्रति बहुत सम्मान रखते हैं और उनके योगदान को महत्व देते हैं। हमने चर्चा की कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के विवादास्पद बयान और उनके द्वारा दी गई सफाई पर। महिला शिक्षकों का योगदान हमारे समाज में अनमोल है और उनकी मेहनत की सराहना की जानी चाहिए। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वे इस विषय पर अपनी राय रख सकें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा, तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे ही दिलचस्प विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।